पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के लीला जेटली हॉल में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुज अग्रवाल व ऋतु नारंग को नीरू जेटली द्वारा छोटा पौधा भेंट कर स्वरूप प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में रंगोली पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसका विषय था मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के स्वीप प्रभारी अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा बच्चों को मतदान के विषय में जानकारी देते हुए ये शपथ दिलाई गई कि हम भारतीय हैं और एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, जहां पर लोकतंत्र पर विश्वास किया जाता है। जो देश आजादी और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जाना जाता है, इसलिए हमें धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के ऊपर उठकर और लीडर होकर किसी से दबाव में न आकर लोकसभा के चुनाव महोत्सव में 23 अप्रैल को मतदान जरूरी करना है। और सभी छात्र छात्राओं को अपने घर के बड़े बुजुर्ग व अपने से बड़ों को व अपने पड़ोसी में रहने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना है। इसी कार्यक्रम में ऋतु नागन ने बच्चों को भविष्य के निर्माता बताते हुए कहा कि आप ही ये काम कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारा देश मजबूत देश बनकर अपनी अलग पहचान बनाए, उसके लिए हमें वोट करना व एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना अति आवश्यक है। अतः सभी छात्र छात्राओं अपने आस पास में रहने वाले सभी लोगों को 23 तारीख को चुनाव महोत्सव में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। रघुराज सिंह निश्चल द्वारा मतदान से संबंधित विषय पर एक कविता काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक समिति की अध्यक्षता नीरू जेटली, स्वाति शर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रही। बच्चों ने जो रंगोली बनाई है उसका एक टॉपिक है। अगर आप रंगोली को देखें तो उसमें एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं बच्चे अपने रंगोली के माध्यम से, वोट फॉर मी, वोट फॉर द राइट पर्सन, वोट फॉर यस। तो ये वोटिंग के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन की तरफ से है और वहीं से डिप्यूटेड मिस ऋतु नारंग एंड डॉक्टर अनुज अग्रवाल दे आर प्रेजेंट हियर टुडे एंड in their presence only children are making rangolis depicting the message given to them, and that message is vote, always vote and never forget to. तो ये बच्चों के माध्यम से parents तक ये message पहुँचेगा आज की voting ज़रूरी होती है। और voting society को तो मैं यही message देना चाहूँगी कि आपके बच्चे जब इतने aware होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ऑल दो वो लोग अभी माइनर हैं, वो लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको जागरूक कर रहे हैं अपने काम के माध्यम से कि आप लोग वोटिंग करेंगे, और ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।